संक्षिप्त महाभारत अश्वमेधिक पर्व। युधिष्ठिर का शोक करना, श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए राजा मरुत की कथा सुनाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म को जलांजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है, तो उसके परलोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोम रस से देवताओं को और स्वधा के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुंह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के बर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसी होनहार थी वैसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले नर श्रेष्ठ कर्ण को मरवा कर कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख व्यास जी ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार-बार समझाना व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रह गए? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित हैं। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राज धर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। अच्छा, यदि अंततोगत्वा तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं।
इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है और बल से दानवों को परास्त किया गया है। भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। अपने जाति भाइयों का यह महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यों ही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारों से किस तरह वसूल करूँ? दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती, अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। व्यास जी ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुत ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उसे ला न सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है। तुम उसे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास जी ने कहा, बेटा, सत्ययुग में राजदंड धारण करने वाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधी के नाम से विख्यात थे। प्रसंधी के पुत्र शुप और क्षुप के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विंश, जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। विंश के पुत्र का नाम विविंश था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सब के सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखलाने वाले ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्म परायण, शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनी नेत्र। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सबने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्य अभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे, इसलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे।
वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में ही राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी यह दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी न रही, वे चारों ओर से धावा करके उन्हें कलेश पहुंचाने लगे। इससे अपने सेवकों और पुरवासियों सहित वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यद्यपि उनकी सेना का संहार हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार न सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे, तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रुओं को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम करंधम हो गया। करंधम के त्रेता युग के आरंभ में अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वह अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जीतेंद्रिय था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगीरा मुनि ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अविक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए। वे गुणों में अपने पिता से बढ़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ कराने की इच्छा से सोने के 1000 बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान सुवर्णमय पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर बहुत से सुवर्णमय कुंड, सोने के बर्तन, थाली और आसन तैयार कराए। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया।